हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नीला कुजीन। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कनोली की रेसिपी। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर किसी ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब मी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू अपलोड्स। ऑल पर्पज़ फ्लावर 3 कप, बटर 1 कप और 8 ounces, रूम टेम्परेचर, कोको पाउडर 1.5 टेबल स्पून, शुगर 3 टीस्पून, साल्ट 1/4 टीस्पून, कोल्ड वाटर 1/2 कप और एज नीडेड। अब हम एक बाउल में फ्लावर ऐड करेंगे, बटर ऐड कर लें, इसे मिक्स कर लें। अब वाटर में शुगर और साल्ट ऐड करके मिक्स कर लें। और इससे हम फ्लावर को नीट कर लेंगे, ऐड कर लें फ्लावर में और इसको नीट करते जाएं। इसे हम हाफ कर लेंगे डो को और बॉल में हम कोको पाउडर लेंगे और हाफ डो को हम कोको पाउडर में नीट कर लेंगे। कोको पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया इसमें। अब हम इन डो को प्लास्टिक में रैप कर लेंगे। रोल आउट कर लें। ये हमारा कोको और प्लेन डो रेडी है। अब इसको हम 1 से 2 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे यूज करने से पहले। हमें चाहिए 1 egg wash, कुकिंग ऑयल एज नीडेड, शुगर फॉर कोटिंग। हम फ्रिज में से कनोली डो निकाल लेते हैं, इनको 15 मिनट्स रहने देंगे सेट होने के लिए। इनके कवर रिमूव कर दें प्लास्टिक पेपर को। ओके, फर्स्ट सरफेस पर हम फ्लावर स्प्रेड कर लेंगे ताकि इसको रोल आउट करने में इजी रहे। अब हम डो को रोल आउट कर लेंगे। आप कनोली डिफरेंट शेप्स की बना सकती हैं। मैं स्ट्राइप्स में पहले काट रही हूँ, फिर ओवल में, राउंड में और स्क्वायर में। हाँ, इसकी स्ट्राइप्स काट लेंगे लाइक 1 इंच। कनोली शेल बनाने के लिए कनोली जो पाइप्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ मैं। कनोली की शेप का स्ट्रेट पाइप जो है वो भी ले सकते हैं। हम लाइट सा वाटर कॉर्नर पर लगाएंगे 1 स्ट्राइप के, सेकेंड स्ट्राइप को हम उसकी एजेस पर रखेंगे। इन एजेस को हम फोर्क के साथ प्रेस कर देंगे ताकि वो स्टिक हो जाए साथ में। हम फाइल पे कर लेंगे और इसमें कनोली ट्यूब को रैप कर लेंगे। ऐसे ये बन गया। अब आप कनोली पाइप को रिमूव कर सकते हैं अंदर से, इस तरह से प्रिपेयर कर लें। अब हम इस ट्यूब को ऑयल की कोटिंग कर लेंगे और फ्लावर की कोटिंग कर लेंगे ताकि स्टिक ना हो। इसके ऊपर रोल करेंगे, एक वॉश लगा लेंगे, इसको लाइट सा प्रेस कर लेंगे। ये कुछ हम स्क्वायर शेप में बना लेते हैं, एक लगा लें।
ये ऑल दो की जो है हमने कनोलीज बना लिए हैं डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिज़ाइन में, और ये बेकिंग ट्रे पार्चमेंट पेपर के साथ रेडी है। अब हमने इन कनोलीज के ऊपर एग वॉश की कोटिंग करनी है, ब्रश से कर लें और इन्हें शुगर में रोल ओवर कर लें, शुगर लगा लें। इस तरह सब कनोलीज के ऊपर हम करेंगे, कुछ कनोलीज को हम बेक करेंगे और कुछ को डीप फ्राई करेंगे। और ये हमारे कनोली शेल रेडी है बेक करने के लिए। ओवन मेरा ऑलरेडी प्री हीटेड है 375 फ़ारेनहाइट पे, और इन्हें हम बेक करेंगे 15 से 20 मिनट्स के लिए। और ये फोर शेल जो है मैं डीप फ्राई करूँगी। और ये एक पैन में, डीप पैन में ऑयल गरम कर लिया है मैंने, और इसमें कनोलीज जो है हम डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे कनोली शेल बेक भी हो गए हैं और फ्राई भी हो गए हैं। इन्हें अब हम कूल डाउन होने का वेट करेंगे 3-4 आवर्स के लिए। आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम फ्रोस्टिंग रेडी करेंगे। ऐसे प्रेस करेंगे तो आराम से रिमूव हो जाएगा। रिकारा चीज़ 2.5 कप, पाउडर शुगर 1 कप, हैवी क्रीम 1/3 कप, सिनेमन पाउडर 1/8 टीस्पून, मिनी चॉकलेट शेप्स एज नीडेड, क्रश पिस्ताशियो एज नीडेड फॉर गार्निशिंग। हमें एक बॉल लेंगे और उसमें रिकारा चीज़ ऐड कर लें। इसमें हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। सिमे पाउडर ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है, फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी हैवी क्रीम को हम बीट कर लेंगे। कैसे फ्लफी सा हो गया, अब इसको हम रिकॉर्डर चीज़ में फोल्डिंग कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ चॉकलेट चिप ऐड करेंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए रख लेंगे हम। 1/4 कप हमने ऐड कर लिए, एक कनोलीज के लिए फिलिंग रेडी है। इसे हम रेफ्रिजरेट कर लेंगे कुछ देर के लिए। अभी कनोली की फिलिंग जो है हम इसमें फिल कर लेंगे। फिलिंग की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ऐसी हो। अब हम कनोलीज में फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1 साइज से पहले फिल करेंगे, दूसरी साइड से। इस तरह से सब कनोलीज की फिलिंग कर लें। ये हमारी कनोलीज की फिलिंग होगी। अब हम इनके डेकोरेशन कर लेते हैं। मैं डेकोरेशन के लिए यूज कर रही हूँ क्रश पिस्ताशियो, मिनी चॉकलेट चिप और डस्टिंग के लिए पाउडर शुगर। आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से यूज कर सकते हैं जो चाहें। पाउडर शुगर से डस्टिंग कर लें। और ये हमारी कनोलीज रेडी है। प्लीज आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करें आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।